आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Realme 12 Plus Android मोबाइल फोन में आप अपने मोबाइल फोन के ब्लूटूथ की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने फोन को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है। अगला काम ये करना है, आपके फोन में फाइल का ऐप है ना, इस फाइल के ऐप को ओपन कर लेना है। इसमें आपको नीचे की साइड में ऐप्स का ये ऑप्शन आपको टैप करना है। अब यहाँ पर आपको सबसे ऊपर सिस्टम ऐप जो लिखा हुआ है, सिस्टम ऐप पे टैप करना है। इस पेज में आपको एंड्रॉइड सिस्टम पे टैप करना है। अब इसके अगले पेज में आपको ना नीचे की साइड स्टोरेज का ये ऑप्शन टैप करना है। अब इसके अगले पेज में आपको नीचे की साइड ये क्लियर कैच पे टैप करना है, तो आपका कैच के सामने डेटा जीरो हो जाता है। अब आपको बैक पेज पे जाना है, अब इसके भी बैक पेज पे जाना है, ठीक है। तो आपने जो एंड्रॉइड सिस्टम सिलेक्ट किया था ना, इसी पेज में सबसे ऊपर है इंस्टॉल ऐप पे टैप करना है। इस पेज में आपको नीचे की साइड आना है और यहाँ पर आपको नीचे ऑप्शन मिलता है ब्लूटूथ का, इसे टैप करना है। इसके अगले पेज में आपको स्टोरेज का ये ऑप्शन टैप करना है। अब यहाँ पर आपको नीचे क्लियर कैच पे टैप करना है, तो कैच के सामने डेटा जीरो हो जाता है, ठीक है। अब देखिए अगला काम ये करना है, मोबाइल फोन का ना इंटरनेट चालू करके मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज में सबसे ऊपर सर्च बार पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में सॉफ्टवेयर अपडेट आपको लिखना है। नीचे सॉफ्टवेयर अपडेट का ये ऑप्शन शो होता है, इसे टैप करना है। अब आपको इस पेज पे कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल अगर यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देता तो उसे टैप करके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेना है, ठीक है। अब देखिए अगला काम ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन को रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी काम नहीं करते हैं, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का सेटिंग पेज ओपन करिए, सबसे ऊपर ये सर्च बार पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है। नीचे ऑप्शन में मिलता है इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट, इसे टैप करना है। इसके अगले पेज में इरेज ऑल डेटा पे टैप करना है। नीचे पेज आता है, इसमें इरेज डेटा का ये ऑप्शन टैप करना है। आपका फोन रीसेट हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को है ना रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन में जितना भी डेटा है ना उसका बैकअप ले लीजिए अपने फोन में। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रख लेना है। तो ये दो काम पहले करना है, उसके बाद फोन को रीसेट करना है, ठीक है। तो मेरे बताए तरीके आपको यूज करने से आपके मोबाइल फोन के ब्लूटूथ की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना।